नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के स्टूडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे तगड़ा ब्रेकआउट आया है दोस्तों, गोल्डन रेशियो का ब्रेकआउट आया है। तो शॉर्ट टर्म में तो तेजी बनेगी, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों ये ब्रेकआउट की वजह से स्टॉक जबरदस्त तेजी के साथ भागेगा। और इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ दोस्तों ब्रेकआउट आया है कि इसमें जबरदस्त मोमेंटम दिख सकता है आने वाले टाइम में दोस्तों। और इस स्टॉक में आगे क्या रणनीति होनी चाहिए उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे, और उसके फंडामेंटल भी कैसे है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कार ट्रेड में दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है IPO के प्राइस के बाद। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों ज़रूर से देख लेना। अभी तक मैं कार ट्रेड में आपको क्लियर बोलता था कि सेल ही करना है, बट दोस्तों पेटीएम और फिनो पेमेंट बैंक में बहुत ही बढ़िया रिवर्सल आया दोस्तों। आपको पता है कि दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक को हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाई थी मैंने आपको, वहाँ से दोस्तों 100 रुपीज़ से ज़्यादा का दोस्तों इजाफा हो चुका है स्टॉक में। तो वैसा ही रिवर्सल कार ट्रेड में दिख रहा है, अभी बेस नहीं बना है, बट मैंने जो लेवल है वो डिस्कस करके आपको बता दिए है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों SCC के ऊपर, और SCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका अभी का प्राइस है 11.05, 676% के दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट है 0.70 का दोस्तों। अगर 5 दिन की बात की जाए तो 14.51% की है, और 1 मंथ के अंदर दोस्तों 13% है, यानी कि पिछले 5 दिन में जो मोमेंटम आया है वो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया हुआ है। 6 मंथ में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है स्टॉक ने, और 1 साल में दोस्तों पैसा डबल करने के आसपास स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। अगर लंबी अवधि की दोस्तों बात की जाए तो 952% का दोस्तों स्टॉक ने रिटर्न दिया है, और बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, अच्छा रिटर्न अपने आप को दे के दिया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रिंसिपली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस। जो नाम है उसका कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि उसी लेवल पे काम कर रही है, और जिसका NSE का कोड है SCC और BSE का कोड है 500185। फंडामेंटल रेशियो के ऊपर नज़र डालते हैं, उससे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं 1679, और स्टॉक का PE है 3.59। इसका हम वैल्यूएशन का एनालिसिस उसके PS के साथ भी करेंगे दोस्तों। बुक वैल्यू नेगेटिव है दोस्तों, और स्टॉक ने जो हाई बनाया है 52 का वो 16.3 है, तो वहाँ से तो काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। ROCE है 11.4%, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.41, और PEG रेशियो है 0.52। तो दोस्तों ओवरऑल फंडामेंटल रेशियो एवरेज है, इतना कुछ खास नहीं है दोस्तों। कंसर्न कहाँ पे दोस्तों, सेल्स ग्रोथ आपको देख रहा है, कंसर्न बड़ा है। दूसरा कंसर्न है दोस्तों प्लेज परसेंटेज 92.1% है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिंगल डिजिट पे है दोस्तों, तो उसके हिसाब से दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो प्रॉब्लम होते हैं वही है। बट अच्छी बात दोस्तों, कैश इक्विवेलेंट 1977 करोड़, सबसे बड़ा पॉजिटिव दोस्तों मार्केट कैप से ज़्यादा कैश का होना, यानी कि बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। ये पीएस कंपैरिजन के ऊपर नज़र डालते हैं तो दोस्तों मेट्रोटेक डेवलपर है, नेशनल स्टैंडर्ड है, KNR कंस्ट्रक्शन है, सबके पी हाई है दोस्तों। उसके सामने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन तो बहुत छोटा सा स्टॉक है दोस्तों, और मार्केट कैप भी छोटा है, तो PE वैल्यूएशन इतना कोई खास नहीं दिखा रहा है। बट बाकी जो दिग्गज है PNC, इंफ्राटेक, KNR कंस्ट्रक्शन, उनके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मार्केट कैप और कंपनी बहुत ही छोटी है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की वाइज। अब प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर दोस्तों एक बार नज़र डाल देते हैं तो मार्च से अगर आप देखेंगे सेल्स में ग्रोथ आई, बट दोस्तों जो सेल्स का कंसर्न था कि सेल्स दोस्तों बहुत ही स्टॉक होके रखी हुई थी, और कोविड की वजह से डाउन भी गई, बट अब प्री कोविड लेवल के ऊपर आ चुका है सेल्स, तो एक अच्छी बात है। अगर प्री कोविड लेवल को बीट करके आगे ग्रोथ दिखाएगी तो कंपनी में अच्छा मोमेंटम और आगे आ सकता है, टेक्निकली हमें ब्रेकआउट दिख रहा है दोस्तों। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, और उसके सबसे बड़ा रीज़न है अदर इनकम्स जो है वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों, और उसी की वजह से दोस्तों ये आपको EPS अच्छा दिख रहा है। बाकी लॉस मेकिंग कंपनी ही रही है काफ़ी टाइम से, तो वो रहेगा दोस्तों। अब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी अगर बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का होल्डिंग 34.71% है। FII का होल्डिंग की बात की जाए तो दोस्तों कंटिन्यूस कम हो रहा है, बट लास्ट क्वार्टर में, लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे पॉजिटिव अप्रोच दिया है। 11.21% था मार्च 2021 में,
वो बढ़ के 11.31 हुआ है जून 2021 में, और सितंबर में 11.43 है। डीआईआई में दोस्तों कंटिन्यूअस कम हो रहा है, 2 साल में काफ़ी गट चुका है और लास्ट क्वार्टर में भी काफ़ी दोस्तों कम किया हुआ है डीआईआई ने। पब्लिक के पास 37.41% का शेयर होल्डिंग है। अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए दोस्तों, तो डिलीवरी में दोस्तों 26 नवंबर पे जो डिलीवरी था दोस्तों 45.4 है, 25 नवंबर को 50.2 है और 24 नवंबर को 61.8% का डिलीवरी है दोस्तों। 23 नवंबर को भी 46.3 है, तो यानी कि दोस्तों 45 से 50% का डिलीवरी हो रहा है और कंटिन्यूस दोस्तों वॉल्यूम के साथ दोस्तों डिलीवरी हो रहा है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि वॉल्यूम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बन चुके हैं। तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए वो हम चार्ट से दोस्तों डिसाइड करेंगे और क्या गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट। ये SCC का डेली चार्ट है और डेली चार्ट के ऊपर हमें क्लियरली दिख रहा है कि SCC में दोस्तों जो हमने स्विंग हाई कंसीडर किया हुआ है शॉर्ट टर्म का, वो 19 अक्टूबर 2021 को बना था 2025 12 रुपये 25 पैसे का, और दोस्तों यहाँ पे लो बना हुआ है स्टॉक में वो है दोस्तों 9 रुपये का दोस्तों, जो 3 नवंबर को बना था। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों रिट्रेसमेंट को ये स्टॉक काफ़ी सीरियसली ले रहा है। जैसे ही हमें पॉजिटिव यहाँ पे दोस्तों 38.2% के रिट्रेसमेंट को तोड़ नहीं पाया था, फिर नीचे गया और जैसे ही इसको वॉल्यूम के साथ तोड़ा, और आज का वॉल्यूम तो देखिए दोस्तों क्या गजब का वॉल्यूम दिया है। बट दोस्तों उसने शॉर्ट टर्म में जो रेजिस्टेंस था 61.8% का 11 रुपीज़ के आसपास का, उसको तोड़ा है, भारी भरकम वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। तो दोस्तों इसमें तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए और मेरे हिसाब से दोस्तों पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 12.25 रुपीज़ के आसपास आएगा और दूसरा रेजिस्टेंस 14.25 रुपीज़ का रहेगा। तो वहाँ तक ये स्टॉक मूवमेंट दे सकता है दोस्तों। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसको आप 11 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और दोस्तों इसमें आप शॉर्ट टर्म में 12 से 12 रुपीज़ 25 पैसा और दूसरा है जहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद दोस्तों 14.26 रुपीज़ तक के दोस्तों हमें लेवल मिल सकते हैं आने वाले टाइम में दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 61.8% का रिट्रेसमेंट जहाँ पे हमें डेली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम दिख रहा है। अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हम अगर वॉल्यूम को देखते हैं दोस्तों और यहाँ पे जो लेवल देखते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले दोस्तों तोड़ने की कोशिश की थी जब ये स्टॉक नहीं, तब वॉल्यूम कम था, फिर नहीं तोड़ पाया, फिर पॉजिटिव तोड़ा बट वॉल्यूम नहीं आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे फेंक दिया दोस्तों स्टॉक को, और फिर जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ज़बरदस्त दोस्तों वॉल्यूम, पिछला जो वॉल्यूम था यहाँ पे तोड़ा था उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, यानी कि बायर्स उस लेवल पे एक्टिव हो रहे हैं 11 रुपीज़ के आसपास, और फिर ऊपर होके यहाँ पे आए, तो दोस्तों सिर्फ 10 रुपये का ही रिस्क रहेगा। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये स्टॉक चार्ट के ऊपर कि 11 रुपये के आपको स्टॉप लॉस रखना है और काफ़ी लंबा टारगेट 12.25 और 14.25 तक के टारगेट हमें दिख रहे हैं इस काउंटर के ऊपर दोस्तों। अगर आप दोस्तों कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप अपना अगर लॉन्ग टर्म से रख रहे हैं दोस्तों स्टॉक को, तो फिर दोस्तों ये स्ट्रैटेजी नहीं रही क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हमने रिवेल की है स्ट्रैटेजी दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए पूरा चार्ट का एनालिसिस अलग से किया जाता है दोस्तों, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है जो 5 दिन से लेकर 7 दिन तक रखना चाहते हैं स्टॉक को, उसके लिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजी रखी हुई है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही आप इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।